एक समय की बात है, एक खूबसूरत सी प्रिंसेस एक बड़े से महल में रहती थी। एक दिन उनके पिताजी ने, मतलब महाराज जी ने, उन्हें एक बर्थडे गिफ्ट में एक गोल्डन सा बॉल दिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। प्रिंसेस को वो बॉल बहुत पसंद था। वो हर रोज वो बॉल से खेलती रहती। एक दिन वो बॉल खेलते खेलते वो बाहर चली आई और एक फोन के पास पहुंच गई। ओह, मेरा बॉल गिर गया। प्रिंसेस उसे पकड़ने के लिए जोर जोर से उसके पीछे भागने लगे, लेकिन बॉल जोर से जाकर तालाब में गिर गया। तालाब बहुत गहरा था और पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओह नो, माय बॉल। प्रिंसेस तालाब के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अचानक प्रिंसेस एक आवाज सुनी। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस ने चारों ओर देखा। वो समझ नहीं पाई कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो चारों ओर देखी तो पता चला कि वो एक मेंढक है। मेंढक पास आकर पूछा, मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस हैरान हो गई बोलते हुए मेंढक को देखकर। एक मेंढक ऐसे कैसे बोल सकता है? मेंढक ने बोला, अब बताओ क्या हुआ है? प्रिंसेस ने मेंढक को सारी बात बताई। वो गोल्डन बॉल जो मेरे पापा ने दिया था, वो फोन में गिर गया है और मैं उसे कैसे निकालूंगी? वो मेरा सबसे प्रिय है। मेंढक उनके पास आकर बैठा और बोला, मैं आपका बॉल ले आऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? आप मेरे दोस्त बनेंगे और मुझे महल में लेकर जाना पड़ेगा। प्रिंसेस ने कुछ देर उस बात को सोची और हाँ कर दी। मेंढक पानी में कूदा और कुछ देर बाद गोल्डन बॉल लेकर वापस आया। गोल्डन बॉल पाकर प्रिंसेस खुशी खुशी अपने घर की ओर चलने लगी। प्रिंसेस अकेले उसे छोड़कर जाते देखकर मेंढक बोला, मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप मुझे भूल गई। आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे दोस्त बनेंगे और आप मुझे महल में लेकर जाएंगे। प्रिंसेस बोले, तुम्हारे जैसे गंदे लिखने वाले मेंढक और मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? और मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले सकती हूँ? ऐसे कहकर मेंढक को वहीं छोड़कर वो चली गई। रात जब हुई, जब वो राजा, रानी और प्रिंसेस खाने में बैठे थे, तो वे टाकर कहा कि आपके दरवाजे के सामने एक मेंढक आकर बोल रहा है कि प्रिंसेस ने उसे बुलाया है, वो अंदर आना चाहता है। ये सुनकर महाराज जी ने बोले, ये क्या हो रहा है बेटी, मुझे सारी बात बताओ। प्रिंसेस ने उन्हें सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर महाराज जी ने बोले मेंढक को कि उसे अंदर लाने के लिए। कुछ देर बाद दरवाजा खोला और मेंढक कूद कर डाइनिंग टेबल के ऊपर आकर बैठ गया। मेंढक आकर बोला, थैंक यू महाराज। वो उन्हें
के लिए कहा और मेंढक ने उन्हें मना कर दिया और उसने बोला कि मैं प्रिंसेस के प्लेट से खाना खाऊंगा। प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था। महाराज जी को क्रोध लगे इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद मेंढक प्रिंसेस के कमरे में जाकर रहने लगे। रात हो गई। प्रिंसेस के बेड पर वो मेंढक सो गया। प्रिंसेस को गुस्सा आता था लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती थी। ऐसे ही रात जाकर सुबह हो गई। मेंढक ने प्रिंसेस से जाकर बोला, मेरा एक काम कर दो तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। प्रिंसेस खुश होकर बोली, बोलो क्या करना है। मेंढक ने बोला, तुम मुझे किस कर दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ देर उस बात को सोचने के बाद वो रेडी हो गए। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस की तो सारे कमरे में रोशनी हो गई। रोशनी में कुछ नहीं दिखाई दिया और कुछ देर बाद जहाँ मेंढक खड़ा था वहाँ एक सुंदर सा लो आदमी खड़ा था। वो देखकर प्रिंसेस हैरान हो गई। उससे पूछी, वो मेंढक कहाँ गया। राजकुमार ने उन्हें सारे बात बताई। बोले, मैं दूर राज्य का एक राजकुमार हूँ। यहाँ पर घूम रहा था तो एक जादूगरनी ने मुझे मेंढक बना दिया। जो जादू आपके किस के कारण गायब हो गया और मैं फिर से इंसान बन गया। धन्यवाद मुझे फिर से इंसान बनाने के लिए। ये बात सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हो गई और वो दोनों महाराज के पास गए और महाराज जी से सारे बात बताए। महाराज जी ने सारी बात सुनकर ये बोले, बेटी तुम्हें यहाँ पर यह सीख मिली है, बिना किसी को जाने कोई भी राय नहीं लेना चाहिए। महाराज जी ने राजकुमार को और कुछ दिन रहने के लिए बोले। कुछ दिन बाद राजकुमार प्रिंसेस को शादी के लिए पूछे तो राजकुमारी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद उनकी शादी होगी और वो खुशी खुशी रहने लगे।